हुआ तो उसमें 36 करीब ऐसे आए हैं, इस तरह के लक्षण आए हैं। पूरे 803 मकान, मतलब 803 इंटू 5 कर लीजिए आप, इतनी पॉपुलेशन वो 36 आए हैं। उसके सिम्टम्स भी हम लोग आ रहे हैं, वो ऐप में ऑनलाइन सब प्रदर्शित हो रहा है। ऐप में जैसे ही प्रदर्शित होता है हम लोग उसको फॉलोअप कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था चल रही है सर। जिस तरह से डिस्चार्ज हो रहे हैं पेशेंट, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे इनका? देखिए, ये जैसे सब अन्य वायरल रहते हैं उसी तरह का वायरल है ये। वक्त पे अगर आपने प्रिकॉशंस ले लिए तो एकदम ठीक हो जाता है। जो लोग वक्त पे नहीं ले रहे हैं या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या जिनको अन्य बीमारियाँ भी हैं वहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़े, पर वो हार्डली 1-2% है। 80% या 85% लोगों को कोरोना वायरस कब आया कब चला गया पता नहीं चलता है, 14 दिन की साइकिल होती है इसकी। 10% में थोड़ी बहुत सिम्टम्स आते हैं, और 1-2% जो वीक रहते हैं लोग, बुजुर्ग लोग हैं जिनको और भी कोई समस्याएं हैं, उनको थोड़ा तकलीफ ज़्यादा होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको हॉस्पिटलाइज कर दें। अब क्या लगता है लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जिन बस्तियों में पहले परेशानी आ रही थी? देखिए, परेशानी तो पहले भी नहीं थी, परेशानी अब भी नहीं है। बीच में एकाएक कोई इंसिडेंट हो गया था, उसके लिए उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी है। हम लोगों को भी कोई, हमारी टीम भी सब मोटिवेट हो गई, मेडिकल की टीम, और उसी उत्साह से वही टीम उस मोहल्ले में लगी है। वो मोहल्ले वाले भी परिवार की तरह उनको रख रहे हैं, हमारी टीम भी उनको एक परिवार की तरह ट्रीट कर रही है। कुछ बीच में एक सडन स्पॉटिंग कोई वायलेंस टाइप का हुआ था, पर वो भी बहुत मामूली सा था, पर वो सब चीज़ें सेटल डाउन हो गई, सब ने माफ़ी मांग ली है उसमें।